हेलो डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग बच्चों। आज का जो है क्लास थ्री सब्जेक्ट में चैप्टर नंबर फोर सब्ट्रैक्शन ये चल रहा था। और इसमें जो है हमने पिछले वीडियो में बच्चों सब्ट्रैक्शन बारोइंग टेन हंड्रेड थाउजेंड, ठीक है, सब्ट्रैक्शन बारोइंग टेन हंड्रेड एंड थाउजेंड ये बेटा पढ़ा था। और इसे रिलेटेड जो आपका एग्जाम्पल था जो क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर का सिक्स सेवन और एट ये आपको कराया गया था। और इसके बाद का आपका इससे रिलेटेड आपका ऐसे एस सी ओ से 4.6 में आपका क्वेश्चन नंबर ए एंड बी, जो क्वेश्चन थे ए एंड बी, ए आपका कैरी आउट द फॉलोइंग सब्ट्रैक्शन और बी सॉल्व द फॉलोइंग। सॉल्व द फॉलोइंग में आपके दो क्वेश्चन थे, एक क्वेश्चन हमने कराया था और एक क्वेश्चन बचा हुआ था, उसे आपको जो है होमवर्क ग्रुप में करने के लिए दिया गया था। और ए से आपको बेटा टू से लेकर के ट्वेल्व तक वन क्वेश्चन इसमें कराया गया था, टू से लेकर के ट्वेल्व तक जो बचे हुए क्वेश्चन थे उसे आपको होमवर्क ग्रुप में करने के लिए दिया गया था, ठीक है बच्चों। और उम्मीद करते हैं आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए होंगे। और आज का इसके आगे आपका दिया है पेज नंबर 41 पे प्रॉपर्टीज ऑफ सब्ट्रैक्शन, ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ सब्ट्रैक्शन। प्रॉपर्टीज ऑफ सब्ट्रैक्शन इसके बारे में हम बच्चों पढ़ेंगे। दिया है आपका यूज एडिशन, इसमें प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन में दिया है यूज एडिशन टू चेक योर डिफरेंस, ठीक है। यूज एडिशन यानी एडिशन का जोड़ का जो है योग का उपयोग करके हम क्या करते हैं टू चेक योर डिफरेंस, आप जो है अपने डिफरेंस का अपने डिफरेंस को अपने अंतर को जो है चेक करेंगे, ठीक है बेटा। करा वी कैन ऑलवेज चेक सब्ट्रैक्शन बाय एडिंग द सब्ट्रैक्शन टू द डिफरेंस। कर बच्चों वी कैन ऑलवेज चेक सब्ट्रैक्शन, हम जो है हमेशा सदैव अपने सब्ट्रैक्शन को अपने डिफरेंस को हम चेक कर सकते हैं बाय एडिंग, एडिंग के द्वारा, जोड़ के द्वारा, योग के द्वारा, किसको, बाई एडिंग द सब्ट्रैक्शन द डिफरेंस, यानी सब्ट्रैक्शन और डिफरेंस को हम क्या करके ऐड करके जो है अपने सब्ट्रैक्शन को चेक कर सकते हैं। द रिजल्ट वी गेट इज द माइन्यूट, और जो बेटा रिजल्ट आता है, जो रिजल्ट उनको योग करने पे सब्ट्रैक्शन और डिफरेंस को ऐड करने पे जो रिजल्ट आता है बच्चों वह क्या होता है, वह हमेशा माइन्यूट के इक्वल आता है, ठीक है बेटा। आइए एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल है बेटा, करा बीना हैज रुपीज 384, बीना हैज 384 रुपीज, ही स्पेंट रुपीज 147 फॉर बाइंग स्टेशनरी आइटम्स, हाउ मच मनी इज लेफ्ट विद हिम, ठीक है। यानी जो एक बीना है नाम का लड़का, उसके पास 380 रुपीज है, ठीक है बेटा, और उसने जो है इतना 147 में से क्या कर दिया, स्पेंड कर दिया, यानी कि खर्च कर दिया फॉर बाइंग स्टेशनरी आइटम खरीदने में उसने इतने रुपए खर्च कर दिए। तो कह रहा हाउ मच मनी इज लेफ्ट विथ हिम, उसके पास जो है अब कितने रुपए बचे, सब्ट्रैक्ट करेंगे इसे हम, ठीक है, टोटल नंबर में से मनी लेफ्ट विथ हिम है क्या करेगा, उसके पास यहाँ पे आपका एग्जाम्पल दिया हुआ दे सकते हैं क्वेश्चन आपका, ठीक है बेटा, ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो उसमें क्या बच्चों, उसके पास जो है 384 रुपीज थे, 384 रुपीज थे उसके पास विनय के पास, और उसमें जो है 147 रुपीज क्या कर दिया है, स्पेंड यानी कि खर्च कर दिया है, 147 रुपीज बेटा स्पेंड यानी कि खर्च कर दिया। फिर तो उसके पास कितने रुपए, यहाँ से सब्ट्रैक्ट करेंगे, आप देख रहे हैं बेटा
वंस का जो मैन्यूल है वह लेस देन से वंस के सबट्रैक्ट से, तो बेटा क्या करेगा यहाँ टेन प्लेस क्या लेगा 12 लेगा बच्चों, ठीक है। तो यहाँ से जो वन टेंथ या टेंथ वन, ठीक है, टेंथ वन जो है देगा तो टेंथ वन और फोर वन मिलकर क्या हो जाएगा 14 वन, ठीक है। 14 वन में से 7 वन सब्ट्रैक्ट करें बच्चों तो आपका हो जाएगा 14 माइनस 7 हो जाएगा। अब यहाँ से आपका 8 टेंथ था और उसमें से 1 टेंथ बढ़ चुका है, तो यहाँ बचेगा आपका 7 टेंथ, ठीक है। तो 7 माइनस 4 कर देंगे आपका हो जाएगा 3 टेंथ, 7 माइनस 4 आपका हो जाएगा बेटा 3 टेंथ। उसके बाद लास्ट में आपका 100 टेंथ से 3 माइनस 1 क्या करेंगे 300 माइनस 400 आपका हो जाएगा 200, यानी 237 रुपीज, ठीक है, मनी लेफ्ट विथ बिल है, ठीक है, समझ गए बच्चों। इतने रुपीज का रुपीज रुपीज 237 लेफ्ट, ठीक है। विथ बिल लेफ्ट विथ इंडिया बिल, ठीक है, इतने रुपये का क्या हो जाएगा लेफ्ट हो जाएगा विनय के पास बच जाएगा, ठीक है बेटा। आइए इसे क्या करना चेक करेंगे, चेक करना है तो चेक करने क्या करना एड द डिफरेंस, यहां से चेक करेंगे एड द डिफरेंस, आपका ये आपको आया है रिजल्ट वो आपका डिफरेंस है, ठीक है, और जो ये आपका है और जो छोटा छोटी संख्या है वो आपका सबट्रैक्ट कहलाता है। आपको बता दिया गया है कि जो है आपका माइन्यूल सबट्रैक्ट एंड डिफरेंस, ठीक है। तो हम क्या करेंगे एड द डिफरेंस एंड द सबट्रैक्ट, ठीक है, डिफरेंस और सबट्रैक्ट क्या करेंगे तो 237 डिफरेंस हो जाएगा और 147 आपका सबट्रैक्ट हो जाएगा। इसको हम क्या करेंगे एड करेंगे, यह टोटल डिफरेंस या का यस यू पी सबट्रैक्ट है सबट्रैक्ट, ठीक है। और ये जो आपका आएगा या क्या होता उसको वैड करते हैं तो 7 7 14 14 को लिखेंगे 4 7 7 14 14 को 4 लिखेंगे बेटा कैरी 1 3 4 7 और कैरी वन आपका हो जाएगा 384 क्या बेटा 384 इनका जो सम आया चेक करने पर डिफरेंस और सबट्रैक्ट को हमने क्या किया बेटा ऐड किया, डिफरेंस और सबट्रैक्ट को ऐड किया तो आपका आया 384, ठीक है। और ये देखिए पूरा का माइन्यू, ठीक है, यह किसी प्रकार का माइन्यू थे जो क्या था यहाँ पर, ठीक है, 384 इसके इक्वल आ गया, ठीक है बेटा। तो यह जो है आपका यूज